एक वाक्य आपको मैं सच बोलने का आदि हूँ कि टूटा फूटा मोटरसाइकिल हुआ करता था। मुझे 10 साल से स्किन एलर्जी है धूप की। वो इसलिए हुई है कि ये अंदर खेलता था, मैं बाहर धूप में बैठा होता था। और एक बंदे के खाने के पैसे हुआ करते थे, तो वो मैं ले आता था, उसको मैं देता था। तो उसने कहा, पापा आपने खा लिया? मैं, हाँ बेटा मैंने खा लिया। ये मैं इसे झूठ बोलता था, ये मुझसे झूठ बोलता था। तो फिर ये झूठ बोलता था कि पापा मैंने बारी लेनी अंदर जाके, तो ये मैं आधा खाता हूँ आधा छोड़ता हूँ। तो ये वक्त हम नहीं भूले। हार्ड वर्क था शुरू से, एक माइंडसेट था और सोचा ये था कि अच्छा बेस्ट प्लेयर बनना है, क्योंकि बेस्ट प्लेयर्स को देखता था मैं पाकिस्तान में, जैसे इंजी भाई हो गए, यूसुफ भाई हो गए, यूनुस खान हो गए। तो वैसे ही एक था कि मुझे भी वैसा प्लेयर बनना है कि जब मैं खेलूं तो दुनिया नाम में मेरा रहे, उसमें याद करे उसमें जी। इसलिए तो अल्लाह पाक ने बाबर भाई को इतनी इज्जत दी हुई है कि क्योंकि उसको अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो प्यार आप सारी मैनेजमेंट के सामने है, सब लोगों के सामने, जिस तरह T20 में उसकी इन्वॉल्वमेंट रही, हालांकि इस इतनी इंजरी के बाद कोई ग्राउंड में आना बहुत मुश्किल, इन्वॉल्व होना बहुत मुश्किल। पाकिस्तान में एक चीज़ की बहुत कमी है, क्योंकि वो इस चीज़ की कि जी लोग है ना पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं, ये पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते, ये वर्ल्ड क्लास बनना चाहता है। वो ग्रेट प्लेयरों में भी है, पाकिस्तान का कप्तान भी है, अचीवमेंट है, और बाबर के लिए अचीवमेंट है और फैमिली के लिए अचीवमेंट है। स्टम भी अगर 3 से 4 प्लेयर की बात हो तो बाबर आजम का नाम इनके साथ लिया जाता है, क्योंकि जी रूट भी ऑलमोस्ट 100 टेस्ट मैच खेल गया, कोहली भी 100 टेस्ट मैच खेल गया, और जो वो विलियमसन है उसने भी तकरीबन ऑलमोस्ट इधर ही कहीं वो स्टैंड कर रहा है टेस्ट मैचेस का। ये बहुत पुराने प्लेयर खेल गए हैं। ये जैसे उस स्टेज पे पहुँचेगा तो मेरे ख्याल में, मेरा अपना ओपिनियन है कि ये उनसे काफ़ी बेहतर शक्ल में होगा।